यह कहानी जातक कथाओं से ली गई है। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके दो पुत्र थे। उसका ज्येष्ठ पुत्र बहुत ही तेजस्वी था। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मरते ही दोनों भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों भाइयों ने घर गृहस्थी का परित्याग कर दिया और ऋषि प्रवज्ञा के अनुसार प्रशिक्षित होकर गंगा तट पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। दोनों की कुटिया अलग अलग थी। बड़े भाई की कुटिया गंगा के ऊपर की तरफ तथा छोटे भाई की गंगा के नीचे की तरफ। दोनों की कुटिया के बीच काफ़ी फासला था। उन्हीं दिनों गंगा में मणिकंठ नाम का नागों का एक राजा रहता था। वह अपने भवन से निकलकर ब्रह्मचारी का रूप बनाकर आसपास के क्षेत्रों में घूमा करता था। वह रोज निकलता और घूम फिर कर वापस अपने महल में लौट जाता। एक दिन वह छोटे तपस्वी की कुटिया पर आया और उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी ने उसे आदर के साथ ब्रह्मचारी समझकर कुटिया के अंदर बैठाया। दोनों ने एक दूसरे का हाल चाल पूछा, आपस में वार्तालाप की और कुछ देर बाद नागराज विदा लेकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वह फिर आया, थोड़ी देर वार्तालाप किया और फिर चला गया। इस प्रकार दोनों में प्रगाढ़ता बढ़ती गई और वह रोज रोज उसके पास आने लगा। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन चुके थे, इसलिए अब नागराज जाते समय निर्भयता पूर्वक अपने फन निकालकर उससे लिपट जाता। फन उसके ऊपर छत्र की तरह लहरा देता। इस प्रकार वह अपने स्नेह का इजहार करता। तपस्वी को उसके इस रूप से डर लगने लगा। डर के मारे वह खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। वह बहुत दुर्बल होने लगा। दुर्बलता के कारण उसका शरीर काला पड़ने लगा। उसकी आंतें सटकर पेट में चिपकने लगी। उसका चेहरा एकदम कुरूप हो गया था। एक दिन टहलता हुआ वह अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की यह दशा देखकर उससे पूछा, तात तू इतना दुर्बल क्यों होता जा रहा है? क्या कोई रोग लग गया है तुझे? तेरी शरीर की दशा बड़ी ही बुरी हो गई है, क्या कारण है इसका? छोटे भाई ने बताया, तात मेरे पास नागराज ने रोज तपस्वी के वेश में आना शुरू कर दिया। वार्तालाप होने लगी, विश्वास बढ़ता गया। अब वह रोज आने लगा। अब जाते समय अपने अस्थि रूप में आकर मेरे शरीर से लिपट जाता है एवं फन को मेरे सिर के ऊपर लहराने लगता है। मेरा अनिष्ट तो कुछ नहीं करता, किंतु उसके भय से मेरा खाना पीना हराम हो गया है। मैं उसके डर से सूखता जा रहा हूँ। अपने छोटे भाई की यह बात सुन बड़े भाई ने पूछा, क्या उसका आना तुम्हें अच्छा लगता है? छोटे ने कहा, नहीं। बड़े ने पूछा, जब वह तुम्हारे पास आता है तो कौन से गहने पहन के रखता है? छोटे ने कहा, मणिरत्न। यह सुन बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मांगना सबको बुरा लगता है। अगली बार जब नागराज तुम्हारे पास आए तो तुम उसके बैठने से पहले ही कहना, कृपया आप अपनी यह मणि मुझे दे दें। सुनते ही वह तुरंत लौट जाएगा। दूसरे दिन जैसे ही वह दरवाजे पर आए उससे फिर मणि मांगना। तीसरे दिन जैसे ही वह जल से बाहर निकले उससे मणि मांगना। वह मांगने से तंग आकर तेरे पास आना बंद कर देगा, जो आज्ञा। यह कहकर छोटे भाई ने बड़े भाई का अभिवादन किया तथा अपनी कुटिया में वापस लौट गया। अगले दिन जैसे ही नागराज उसके पास आया तपस्वी ने कहा, तात पहले आप अपना मणि रत्न मुझे दे दें। यह सुनते ही नागराज वापस लौट गया, कुटिया में बैठा ही नहीं। अगले दिन जैसे ही नागराज द्वार पर आया तपस्वी ने पुनः बोला, तात कल आप सुनते ही लौट गए थे, आज तो मणि रत्न मुझे दे दें। नागराज आश्रम में प्रवेश किए बगैर ही वहाँ से लौट गया। तीसरे दिन तपस्वी नदी के किनारे खड़ा इंतजार करता रहा। जैसे ही नागराज ने जल से निकलने के लिए सिर बाहर किया तपस्वी ने कहा, तात आज तीसरा दिन है, मैं 3 दिनों से आपसे मणिरत्न मांग रहा हूँ, आज तो दे ही दीजिए। नागराज पानी में खड़े खड़े बोला, तात इस मणिरत्न के प्रभाव से ही मुझे बहुत सारे ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है, तुमने याचना करने की हद कर दी। तेरी यह याचना मुझे उसी प्रकार लग रही है जैसे कोई युवक पत्थर पर तेज की हुई तलवार लेकर किसी को मारने हेतु डराए। तेरा मणि मांगना मुझे दुख देता है, मैं यह मणि तुझे नहीं दे सकता, आज से मैं तुम्हारे आश्रम में नहीं आऊँगा। इतना कहकर नागराज ने जल में डुबकी लगा दी तथा फिर कभी बाहर नहीं आया। एक दिन अपने छोटे भाई का हालचाल जानने ज्येष्ठ तपस्वी अपने छोटे भाई की कुटिया में आया। अपने छोटे भाई को स्वस्थ देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, तात तुमने देखा किसी से भी उसकी प्रिय चीज़ मांगने पर उसे मांगने वाले के प्रति द्वेष होता है। नागराज 7 रत्नों से परिपूर्ण है, धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे भी उसकी प्रिय वस्तु की याचना अप्रिय लगी। कोई भी इंसान मांगने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी प्रिय वस्तुएं
उससे मांगी जाएं। इसलिए अनचाहे और बुरे लोगों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन लोगों से उनकी प्रिय वस्तुओं को मांगना शुरू कर दो और फिर वो धीरे धीरे खुद आपसे अपनी दूरी बढ़ाना शुरू कर देंगे। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।